बहुत अच्छा अच्छा ही लगता है जब फिल्में शुरू होती हैं, और अभी आप लोग पिछले हफ्ते आए थे जब दूसरी फिल्म शुरू हुई थी, पहली हुई थी एक्चुअली, ये दूसरी फिल्म है, आज फर्स्ट डे ही है हम लोगों का, तभी भी फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा अभी अच्छा है, कॉमेडी नाइट्स शुरू हुआ है, सक्सेसफुल हो गया है, आज कॉमेडी नाइट्स की रेटिंग्स भी आई, मैं आपको बताऊँ, नंबर वन नॉन फिक्शन शो है हमारा इंडिया का, तो वो भी बहुत खुशी की बात है, अभी एक दो फिल्में भी शुरू हो गई हैं, तो अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। टाइटल इसका कुछ अलग सा है, इसका टाइटल बदलेंगे हम लोग, क्योंकि झुंझुना मुझे पसंद नहीं, मैंने डायरेक्टर साहब को बोला है चुपचाप टाइटल बदल दो, आई थिंक टाइटल बदलेंगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक वो चलाता हूँ, पेपर चलाता हूँ, मीडिया रिलेटेड कहानी है, तो उसमें कॉलम आता है जो शर्मा जी लिखते हैं, जो जिसमें सेक्स रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, तो उसकी वजह से मेरा पेपर चलता है, तो शर्मा जी को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे यू नो लकी मैस्कॉट होते हैं, और उनकी यंग बीवी है जो मुग्धा गोडसे, जो मेरी हमारी हीरोइन है फिल्म की, वो यंग लड़की से उनका उनकी शादी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि लगता है ऐसा होता नहीं है कि मेरा और उनकी बीवी का चक्कर चल रहा है, तो उसमें क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, तो उसमें ह्यूमर निकल के आता है। नहीं नहीं, ये तो हेमंत पांडे गुंडा है, उनको छेड़ देता है मुग्धा गोडसे को, तो मैं बहुत मारता हूँ इसको, तो शर्मा जी कहते हैं कि नहीं उसको तुम छुड़वाओ जाके, और शर्मा जी की हर बात माननी पड़ती, तो वो हेमंत गुंडा है उसको मैं छुड़वाने के लिए कोर्ट के अंदर आया हूँ, और सीक्वेंस वही शूट करें जहाँ पर वो आया, वो तो खुश है, गुंडा है छूट गया, उसकी माँ है हिमानी शिवपुरी, तो ये लोग सब नाचते हुए जश्न मनाते हुए जा रहे हैं। ही हैज़ आई मीन काम करने से पहले मैंने इनको बहुत देखा है, एंड आई एम अ फैन ऑफ हिज बिकॉज ही सच अ गुड लुकिंग एक्टर, एंड टाइमिंग इनकी वही, आई थिंक ही इज़ गॉट द टाइमिंग ऑफ चिची, एंड डांसर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और मैंने इनके इतने शोज़ देखे, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर दैट ही विल रियली रियली, ही इज़ गॉट अ ब्राइट फ्यूचर, विच आई थिंक एवरीबडी नोज, द पीपल लव हिम, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। मेरा सीधा साधा कैरेक्टर है, सिंपल सा जैसे मैं हूँ, शौना भी है जैसा कि मैं हूँ, थोड़ा शरारती भी है जैसा कि मैं हूँ, तो मेरे जैसा ही ये कैरेक्टर, शर्मा जी को पटा के रखने वाला, स्मार्टली सब चीज़ें करने वाला, लेकिन ये लोग फिर उसमें फंस जाते हैं, फंस जाता हूँ वहाँ पर जहाँ पर शर्मा जी शक करने लगते हैं, अब मुझे अपनी पेपर में उनको काम भी करवाना है, और ये भी बताना है कि उनकी बीवी के साथ मेरा चक्कर नहीं है, तो उन सब चीज़ों में सिचुएशंस जो आ रही हैं, सिचुएशनल कॉमेडी है।